ये फेस्टिवल सीजन में कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स ने लाया है अब तक की सबसे बेस्ट डील और ढेर सारे अशॉर्ट फ्री गिफ्ट्स। कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स को मुमरा में पिछले 11 सालों से एक ट्रिमेंडस रिस्पांस मिला है। कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स एक ही छत के नीचे मिलेंगे, फिर चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, माइक्रोवेव या फिर मोबाइल फोन, कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स पर सब मिलेगा। और हाँ, कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में फाइनेंस भी अवेलेबल है। 0% डाउन पेमेंट पर आप अपने कोई भी मन चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स ले सकते हो। बेहतरीन ऑफर्स एंड फ्री गिफ्ट सिर्फ और सिर्फ आपको कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में ही मिलेगा। तो एक बार जरूर स्टोर विजिट करें कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स, ओल्ड नशेमन कॉलोनी, नियर बशीर मेहंदी वाला, मुमरा। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भिवंडी सहित कई जगहों पर एनआईए की कार्रवाई की गई है। प्राथमिक जानकारी मिली है कि भिवंडी शहर के 3 बत्ती शांति नगर और इस्लामपुरा इलाके से 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है एनआईए ने। एनआईए ने महाराष्ट्र में कुल 44 जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया है। पुणे में ISIS से जुड़े 44 ठिकानों पर छापेमारी, कर्नाटक ठाणे पुणे में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। पुणे में आतंकी मामलों में शामिल नाचन और आतिफ नाचन को पड़घा गांव से गिरफ्तार किया गया था और आज फिर एक बार एनआईए की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई की गई है। भिवंडी के पड़घा गांव में एनआईए का बड़ा कार्रवाई करने का मामला सामने आया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एनआईए ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। महाराष्ट्र ATS की मदद से एनआईए ने 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुणे में मिले आतंकी मामले के बाद पड़घा गांव से 2 से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके साथ ही एनआईए ने आज भी कुछ और लोगों को हिरासत में लिया है। ये छापेमारी पुणे में 2 स्थानों पर, ठाणे ग्रामीण के पड़घा इलाके के अलावा 41 ठिकानों सहित कर्नाटक के बेंगलुरु में 1 स्थान पर भी छापेमारी की गई है। जानकारी ये भी मिल रही है कि कर्नाटक में भी छापेमारी एनआईए द्वारा छापेमारी में गिरफ्तार शहनवास नाम के आरोपी से जुड़े जगहों पर की गई है। भिवंडी तालुका के पड़घा के पास बोरेवली गांव में भी एनआईए की टीम ने कार्रवाई की है। मिली जानकारी के अनुसार भिवंडी के पड़घा बोरेवली गांव से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ठाणे ग्रामीण पुलिस की बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। ठाणे में सुबह से ही महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों में एनआईए की तरफ से रेड की गई। पुणे, भिवंडी, पड़घा, ठाणे आदि जगहों पर सुबह से एनआईए द्वारा छापेमारी की गई है। ठाणे के राबोड़ी परिसर में चांदीवाला अपार्टमेंट के बापे परिवार को एनआईए की तरफ से नोटिस दी गई है, लेकिन एनआईए ने अब तक ठाणे के राबोड़ी परिसर के चांदीवाला अपार्टमेंट के बापे परिवार को गिरफ्तार नहीं किया है, सिर्फ नोटिस देकर चले गए। आपका नाम बताइए, किस तरह से यहाँ पे आना, कितने बजे आई थी और किस तरह से यहाँ पे जांच की आपके साथ, घर क्या बताया थे, किस कारण? 4 बजे आए थे सामने और प्रूफ मिला नहीं कुछ, वापिस गए। क्या कारण, किस कारण से आए थे वो लोग? बोले नहीं कुछ, आए बैठे और गए। कितने लोग थे बोल रहा जब घर में वो लोग आए तो? कितने लोग थे सामने देखो? अपने 4-5 थे, ऊपर नीचे लोकल 15-20 रहेंगे सामने। अच्छा, आपको नोटिस भेजाई है, नोटिस में क्या लिखा हुआ है? मेको थोड़ी आई, मेको ना मालूम क्या लिखा है। नोटिस भेजाई क्या आपको? मेको थोड़ी आई, आपके पास नोटिस देखे गए क्या? देखे गए ना अभी घर पे, घर में सुबह नोटिस दिया है कुछ, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है क्या? क्या किस लिए था? सुबह मैं गया कॉलेज, अलग बोल ले लो, मैं कॉलेज से आया मैं और गए थे तब तक। अच्छा, क्या करते हैं आप? आप क्या करते हो? उनको लेके गए क्या, जिनको नोटिस दिया? किसको दिया, क्या नाम उनका? अंजुम बाप। अंजुम, वो कहाँ पे अभी? अभी है ना, बाहर गए हो। लेकिन कुछ नोटिस के बारे में कुछ बुलाया गया कि कहाँ पे? मेरे नहीं मालूम। क्या क्या बातचीत की आपसे जब वो घर के अंदर आए तो? क्या से पूछने की ना? अच्छा, नहीं, सुबह 4 बजे आए थे, आपको घर के अंदर क्या बोल के आए थे और क्या उन्होंने कुछ घर के अंदर कुछ सर्च किया कि क्या किया? सर्च किए, कुछ मिला नहीं उन लोग को और अभी हुआ बस। कितने वक्त थे वो लोग? उन लोग बोला ना 4-5 थे, इतने ज्यादा थे। कितने देर बैठे थे? नीचे 8 बजे गए। 8 बजे थे? अच्छा, सुबह 8 बजे गए। हां, मुल्का आए थे सामने देखे थे मुझे आप बस अभी सुनो और मेरे को नहीं मालूम। थोड़ा मैं इतना ही कि कुछ बोले क्या? आपका नाम क्या है? अज्जत बापी।
अर्जद असजद बापे असजद बापे। तो क्या कुछ उन्होंने कहा कि कब तक नहीं कुछ बोले ना? पिताजी क्या काम करते हैं? पिताजी क्या काम करते? पिताजी क्या काम? आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट कहाँ पे? बिजनेस है कुछ। घर पे बिजनेस है। घर पे बिजनेस है। कुछ बातचीत की क्या उन्होंने एनआई के टीम से? कुछ बातचीत की क्या या बातचीत इतना देर तक क्या बातचीत की उन्होंने? बातचीत किए नहीं, कुछ चेक किया और गए, कुछ मिला नहीं। प्लान मिले खाली आर्किटेक्ट के बस। लेकिन किस कारण आए थे पूछताछ नहीं बोले ना कुछ? पिताजी को पूछताछ कुछ किए क्या उन्होंने? बोला नहीं किए और गए, कुछ मिला नहीं। क्या पूछताछ किया? तीन घंटे में क्या कार्रवाई करे उन्होंने? क्या आए चेक किए? कुछ मिला नहीं तो बैठे थे थोड़ा, फिर गए। कुछ मोबाइल मोबाइल या कुछ उन्होंने दिए थे? मोबाइल लेके गए। घर वाले के चेक नहीं किए किए लेकिन कुछ मिला नहीं। उन लोगों मोबाइल लेके गए पूरा सब घर भर का पूरा सब अबू का। कितने फोन लेके गए? एक दो? कितने? एक फोन लेके गए। क्या कारण क्या बताया उन्होंने कि हम लोग यहाँ पे आए? कारण बोले नहीं कुछ, कुछ झूठा कारण लेके आए तो प्रूफ मिला नहीं तो वापिस गए। नोटिस दिया? नोटिस मालूम नहीं अभी बस। ठीक ठीक ठीक।